जोफ्रा आर्चर को आखिर हुआ क्या? जी हाँ, ये सवाल सोशल मीडिया पर हर कोई पूछ रहा है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच जब मैच खेला जा रहा था, वहां पर उस दौरान जब टॉस पर रोहित शर्मा आए और उन्होंने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी और उनसे जब प्लेइंग 11 के कॉम्बिनेशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जोफ्रा आर्चर इज नॉट अवेलेबल और उनकी जगह रायली मेरेडिथ अपना डेब्यू कर रहे हैं मुंबई इंडियंस की तरफ से आईपीएल में। तो भाई हर जगह ये सवाल उठने लगा कि आखिर जोफ्रा आर्चर को हुआ क्या है, क्योंकि इससे पहले जो 8 अप्रैल को मैच हुआ था चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच वानखेड़े में, वहां पर भी जोफ्रा आर्चर नहीं खेले थे। अब वहां पर जब रोहित शर्मा से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि भाई इंजरी है, बट उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं इंजरी भी नहीं कहूंगा, इसे प्रिकॉशन के तौर पर जोफ्रा आर्चर को नहीं खिलाया गया है। अब जोफ्रा आर्चर का आप जानते ही करियर खेलने से ज़्यादा चोट में बीता है उनका पूरा करियर, और लगभग 1.5 से 2 साल बाद वो वापसी कर रहे थे क्रिकेट में, और इस बार जसप्रीत बुमराह ऑलरेडी अवेलेबल है नहीं मुंबई के लिए। तो जोफ्रा आर्चर एक इकलौती उम्मीद थी मुंबई इंडियंस को उनकी बॉलिंग लाइनअप से कि भाई ये गेंदबाज है तो भाई हमें चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। बट आरसीबी के खिलाफ क्या जोफ्रा आर्चर का फॉर्म उतना चला नहीं था, और एक मैच के बाद जोफ्रा आर्चर दूसरा मैच भी नहीं खेले जो चेन्नई के खिलाफ हुआ, और अब तीसरा मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। तो भाई जब दूसरा मैच होने वाला था सीएसके और एमआई के बीच, तो उससे पहले सुब्रमण्यम बद्रीनाथ जो सीएसके के पूर्व क्रिकेटर हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल में एक बात कही कि भाई जोफ्रा आर्चर जो है उन्हें नेट सेशन में कोहनी पर बॉल लग गई जिसके चलते उन्होंने पूरा नेट सेशन अटेंड नहीं किया और शायद वो एमआई और सीएसके वाला जो मैच है वो नहीं खेलेंगे, और हुआ भी वही, इंजरी थी, रोहित शर्मा ने भी कबूला। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रिकॉशन के तौर पर हमने जोफ्रा आर्चर को नहीं खिलाया। अब उसके बाद भाई लग रहा था कि ठीक है, उतनी ज़्यादा कोई इंजरी सीरियस नहीं होगी क्योंकि रिपोर्ट्स ऐसी कुछ आई नहीं थी, तो लगा था कि जोफ्रा आर्चर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाले मैच में दिल्ली में जो अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है वहां पर खेलेंगे। बट आज भी यही हुआ कि रोहित शर्मा ने बोला कि वो अवेलेबल नहीं है। तो भाई क्या जोफ्रा आर्चर की इंजरी ज़्यादा सीरियस हो गई है, क्या मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी ये चोट छुपा रही है, ये अब तक कुछ खुलासा हो नहीं पाया और अब तक कोई क्लियरेंस नहीं आया है कि जोफ्रा आर्चर को एग्जैक्टली हुआ क्या है। सिर्फ रिपोर्ट्स आई थी कि भाई कोहनी में बॉल लगी है जिसके चलते वो नहीं खेल रहे, बट अब तक ऐसी कोई ना मेडिकल रिपोर्ट आई है ना फ्रेंचाइजी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि आखिर जोफ्रा आर्चर को क्या हुआ है और वो कितने समय तक बाहर रहेंगे आईपीएल 2023 से। अब आपकी इस बारे में क्या राय है, आपको क्या लगता है जोफ्रा आर्चर के बिना मुंबई इंडियंस की बॉलिंग लाइनअप कितनी कमजोर है और कौन सा खिलाड़ी जोफ्रा आर्चर को रिप्लेस कर सकता है अगर बाई चांस जोफ्रा आर्चर इस आईपीएल 2023 में अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।